हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रोफेशनल जर्नी जो है वो शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। बेसिकली कैसे मैं इंडिया में कौन से कोर्सेज करे थे या कौन सी डिग्री ली थी, एंड देन मैं कैसे वहाँ पर क्या जॉब करी थी, यहाँ मूव करने के बाद मैंने ऐसी कौन सी चीज़ें करी जिससे मुझे यहाँ पर जॉब मिली, एंड देन ऑफकोर्स यहाँ पर क्या सैलरी ऑफर होती है मेरे जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसकी। तो वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारी ऐसी इंसाइट्स होगी जो बेसिकली आपको हेल्प करेगा अगर आप भी विदाउट जॉब जर्मनी मूव करने वाले हो, और अगर आप सिमिलर टू माय इंडस्ट्री से हो तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगी जो कि पर्सनल भी है, तो वीडियो एंड तक देखना और बिना कुछ टाइम वेस्ट करे सबसे पहले जो है वो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से हम बैठ के आराम से बात करते हैं मेरी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ट्वेल्थ के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी थी, एमपी से इंजीनियरिंग करी थी, जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे ओपन हो रहे थे और बहुत सारे लोग जो है वो इंजीनियरिंग ही एज ए ऑप्शन जो है वो ऑप्ट कर रहे थे, तो मेरा मैथमेटिक्स जो था सब्जेक्ट्स था, तो इसी की वजह से मैंने भी जैसे सब लोग कर रहे थे इंजीनियरिंग करी, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट थे कि मैंने जो है वो सबसे पहले एक ऑटोनॉमस जो कि वेल नोन कॉलेज था वहाँ से बायोमेडिकल ब्रांच ली थी, क्योंकि मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी जो पीईटी का एग्ज़ाम होता है उसमें, और उसके बाद मैंने अच्छा परफॉर्म करके लाइक टॉप 5 या टॉप 10 स्टूडेंट्स में था, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करके मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन आया कि मैं बेसिकली ब्रांच चेंज कर सकती थी। तो बिकॉज सब लोग बोलते थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगी, तो मेरे को वो एक ऑप्शन मिल रहा था, तो मैंने अपनी ब्रांच चेंज कर ली सेकेंड ईयर में। तो ऑफकोर्स मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सारे सब्जेक्ट्स पढ़े और जो मुझे डिग्री मिली वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिली, तो बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद थोड़ा सा हार्ड टाइम मैं बोल सकती हूँ मैंने देखा टू फाइंड अ जॉब, क्योंकि वहाँ पर जिस पर्टिकुलर जगह पर मैं थी वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे कैंपस सिलेक्शन नहीं होते थे, दूसरी जगह जाना पड़ता था जो प्रेफरेंस देते थे अपने कॉलेज वाले को, तो थोड़ा हार्ड टाइम देखा था। इन बिटवीन लाइक जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता है उसके बाद आपका जो जॉब सर्च प्रोसेस स्टार्ट होता है, इन बिटवीन मैंने निफ्ट का मास्टर्स का कोर्स जो है वो फिल आउट कर दिया, लाइक फॉर्म फिल आउट कर दिया। मुझे लगा कि यार दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन, और मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि शायद नहीं होगा बिकॉज ये थोड़ा टफ एग्ज़ाम होता, तो मैंने फिल कर दिया था फॉर्म की लेट्स ट्राई इट, क्योंकि मेरे को थोड़ा था उसका एस्पिरेशन कि नहीं यार मुझे फैशन टेक्नोलॉजी में कुछ करना है या फैशन में कुछ करना है, एंड दैट्स व्हाई आई ऑप्ट फॉर मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम निफ्ट गांधीनगर, जो वन ऑफ द अच्छा इंस्टीट्यूट था। तो हाँ ऑफकोर्स मेरा जो मार्क्स वार्क्स अच्छे आ गए थे और मेरे को कॉलेज भी मिल गया, तो इमीडिएटली जिस ईयर में पास आउट हुई थी उसी ईयर मैंने अपना जो मास्टर्स है वो स्टार्ट कर दिया, तो कोई गैप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट था और मैंने बहुत सारी मैनेजमेंट स्किल्स वहाँ पर सीखी, और जहाँ पर मेरे को इंजीनियरिंग में बहुत बोरिंग लगता था सब कुछ, वहीं मुझे मैनेजमेंट में या फैशन टेक्नोलॉजी में सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत वाव लगने लगा। तो इन शॉर्ट मुझे मैं बोल सकती हूँ कि शायद समहाउ मैंने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था कि मुझे इस तरीके का कॉलेज चाहिए और इस तरीके की डिग्री करना है, और मुझे उसी तरीके का जो है वो एक्सपोज़र मिला। एंड जब मैं पास आउट हुई तो मैंने एक अच्छी कंपनी के साथ अपनी इंटर्नशिप करी जो कि पेड इंटर्नशिप थी, उस टाइम पे पेड इंटर्नशिप्स नहीं होती थी, बट पेड इंटर्नशिप करी एक स्पोर्ट्स कंपनी के साथ, एंड साथ ही साथ जब मैंने इमीडिएटली अपनी जब कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ तो जॉब स्टार्ट करी, वो भी बैंगलोर में वन ऑफ द बेस्ट फैशन या रिटेल कंपनी है उसके साथ मैंने जॉब स्टार्ट करी। तो यहाँ पर मैं अपने जो कंपनीज है उसके नाम भी आपको बताऊंगी ताकि आप थोड़ा बहुत रिलेट करो। तो मैंने आदित्य बिरला ग्रुप से जो है वो स्टार्ट किया था, मधुरा फैशन लाइफस्टाइल जो है वो बैंगलोर में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी थी, आपने कुछ नाम सुने होंगे जैसे लुई फिलिप हो गया, एलन सॉली हो गया, वैन ह्यूसन हो गया, पीपल हो गया, ये सारे ब्रांड्स उनके अंदर आते थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे उस टाइम पे, एंड अच्छी कंपनी थी। तो मैंने एज ए ट्रेनी जो है वहाँ पर ज्वाइन किया और मेरे को
मतलब इनिशियल करियर में ही काफ़ी अच्छा प्रोफाइल मिल गया, जिसमें मुझे टॉप मैनेजमेंट के साथ बात करना होता था, चीज़ें मैनेज करनी होती थी, काफ़ी अच्छे कलीग्स मिले जो मुझे ऑफकोर्स क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो सब कुछ नया नया था सीखने के लिए, तो इट वॉज़ अ वेरी गुड जर्नी। तो अराउंड 5 साल जो है वो मैं सेम ग्रुप के साथ मैंने काम किया, इन बिटवीन लाइक बहुत सारे इंटरनल स्विच करे, और बिकॉज ई कॉम जो है उस टाइम पे बूस्ट कर रहा था तो मैंने एक ई कॉम कंपनी के साथ लाइक सेम ग्रुप ई कॉम कंपनी के साथ काम किया जो कि एबॉफ थी। अगर आपने नाम सुना होगा, पहले कभी शॉपिंग करी होगी तो कमेंट करना करी होगी तो, क्योंकि हाँ वो पर्टिकुलर कंपनी के साथ भी मैंने काफ़ी टाइम काम किया जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और उसी टाइम पे इन बिटवीन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एबॉफ तो था ही, इसके अलावा और भी बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी जो है वो धड़ल्ले से रिक्रूट कर रही थी और काफ़ी अच्छा पैकेज जो है वो ऑफर कर रही थी। तो अगर मैं बात करूँ पैकेज की, तो मतलब 5 साल एक्सपीरियंस में मेरा अच्छा खासा पैकेज हो गया था निफ्ट से पास आउट होने के बाद। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती बहुत वाव, बट आई वाज सेटिस्फाइड कि जितना मुझे पैकेज मिल रहा था उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। एंड जो लोग स्विच कर रहे थे जैसे फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, उन्हें डबल या 2.5 times का पैकेज जो है वो मिल रहा था। बट जब इन बिटवीन ये मतलब मैं सोच रही थी कि अब मैं स्विच करूँ, उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड जो दीपक की भी हमने जर्नी जो है वो शूट आउट करी है, उनको यहाँ पर आने का मौका मिला एंड आई थॉट कि लेट मी आल्सो मूव। लेकिन मेरा ये मूवमेंट का जो पूरा आइडिया था वो सिर्फ बेसिस की यार जाएंगे ढूंढेंगे जॉब वो सब कुछ नहीं था। मेरा आइडिया ये था कि मैं यहीं से, जैसे ही हम लोगों को पता चला कि हाँ यार ऑफर मिल गया इसको और मुझे भी मूव करना है, तो मैंने पूरा जो है वो अपना एक प्लान बनाया कि यार मैं किस कंपनी से बात कर सकती हूँ, क्या कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे, रिटेल फैशन इंडस्ट्री कौन सी यहाँ पर प्लस वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, कहीं से तो कुछ कॉन्टैक्ट हो सकता है जर्मनी में जिससे मुझे यहीं से कोई इंटरव्यूज़ जो हैं वहाँ जाके मतलब इंटरव्यूज़ दे पाऊँ, या कुछ कॉन्टैक्ट्स मिल जाएँ जिससे मुझे जॉब मिल जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो जो टाइम था मेरे पास मैंने उसमें पूरा ट्राई किया, और कुछ इंटरव्यूज़ मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर लिए आने से पहले। तो मूव करने के बाद ऑफकोर्स मैं जिस दिन यहाँ पर लैंड करी उसके अगले दिन ही मेरा एक स्पोर्ट्स कंपनी के साथ जिसके साथ मैंने इंटर्नशिप करी थी इनिशियली, वहाँ मैंने अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया और वो इंटरव्यू मैं देने गई। बट समहाउ मेरे दिमाग में सैलरीज बहुत डिफरेंट थी एंड ही सेड, जो पर्टिकुलर मैनेजर था, कि यू कैन स्टार्ट इमिडिएटली, कल से ही स्टार्ट कर सकते हो। बट जो सैलरी उसने मुझे उस टाइम पे प्रोजेक्ट करी थी, मतलब बोला था, वो मुझे बहुत कम लग रही थी बेस्ड ऑन माई रिसर्च। तो मैं सैलरी भी आपको बता देती हूँ, इट वॉज अराउंड 34,000 पर ईयर के लगभग थी वो स्टोर में सैलरी थी, मतलब स्टोर में काम करना था। और जैसे जैसे मेरी जर्मन स्किल इम्प्रूव होती रहती वो मुझे मतलब प्रमोट करते रहते या अच्छी जो है प्रोफाइल दे देते, इस टाइप की जॉब थी। एंड मैं उसको हाँ नहीं कर पाई समहाउ, मुझे लगा कि मुझे राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए था, जो मेरे को आज भी रिग्रेट होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड देन आफ्टर दैट जब ये हो गया लाइक नेक्स्ट डे ही मैं गई, तो मुझे थोड़ा पॉजिटिव लगा कि यार एक ही दिन में मैंने एक इंटरव्यू दे दिया तो आई विल गेट अ लॉट ऑफ इंटरव्यू कॉल्स और मैं बहुत जल्दी जो है वो जॉब फाइंड आउट कर लूँगी। बट यहाँ पर अब मैं बेसिकली आपको बता देती हूँ, रिटेल और फैशन इंडस्ट्री से अगर आप हो, इवन ई कॉम से भी हो, MBA मैनेजमेंट फील्ड से भी हो, तो यहाँ पर सबसे बड़ा गैप आ जाता है जर्मन का, क्योंकि आपको लोकल लोगों से बात करनी होती है, सप्लायर्स से बात करनी होती है, जो कंपनीज ऑलरेडी ऐसी जगह एग्जिस्ट होती हैं उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप जो है वो आ जाता है। इवन स्टोर में काम करने के लिए भी आपको जर्मन आना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जो मुझे विद इन 3 months जॉब सर्च प्रोसेस में पता चल गया कि हाँ यार यहाँ पर मुश्किल होगा, क्योंकि सब जगह जो है वो जर्मन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश के बेसिस पर कोई भी एंटरटेन नहीं करता था, मतलब इंग्लिश जो था वो ठीक ठाक था उस टाइम पे। इस टाइम पे अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट उस टाइम पे थोड़ा डिफ़िकल्ट था, एंड जिस इंडस्ट्री से मैं आ रही थी उससे तो और डिफ़िकल्ट था। प्लस वो मुझसे रिलेट भी नहीं कर पाते थे कि मैंने क्या डिग्री ली है, क्या कोर्सेज करे हैं। फिर मैंने अपने बैकग्राउंड में सारी चीज़ें करी, फिर मैंने देखा कि मेरी डिग्री इक्विवेलेंट टू यहाँ की कौन सी डिग्री है। जैसे मेरी, मैंने बोला मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है, यहाँ पर उसे MA बोला जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं, मेरी डिग्री रिकग्नाइज है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने करना चालू करी। और पैरेलली, क्योंकि मैं समझ गई थी कि जर्मन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना इंटीग्रेशन
कोर्स ढूंढा और इंटीग्रेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया, सो दैट मैं अपना टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना करूँ और जल्दी से जो भी मेरे को ज़रूरत है मेरे उसमें वो मैं मतलब फाइंड आउट करके और उसे ख़त्म करूँ। जर्मन सीखना बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि आप एक काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, एकदम से आप डिफरेंट कंट्री में आ रहे हो, फिर जर्मन सीख रहे हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। बट समहाउ क्योंकि मैं समझ गई थी कि यार ये ज़रूरी था और मैं बहुत ज़िद में भी आ गई थी कि नहीं यार ज़रूरी है और मैं करके ही रहूँगी, तो जर्मन सीखी। एंड जर्मन सीखते सीखते ही मतलब कोविड भी आ गया था, क्योंकि 2018 एंड में कभी मैं शिफ्ट हुई थी यहाँ पर, उसके बाद कोविड भी आ गया था। बट लकीली कोविड टाइम पे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी ह्यूगो बॉस जिसका जो हेडक्वार्टर है वो मेटजिंगन में है, जो वन ऑफ द बेस्ट फैशन कंपनी में से एक है यहाँ पर, अगर आप जानते हो तो कमेंट ज़रूर करना। तो उससे मुझे अच्छा खासा जो है वो प्रोफाइल मिला और जॉब मिली, एंड ऑफकोर्स सैलरी जो मेरा एस्पिरेशन था उस टाइम पर वो सैलरी भी मिली। तो जो भी मैंने मतलब सोच के आई थी वो मुझे कुछ साल बाद मिला, बट समहाउ आई अचीव दैट कि मेरे को ये, ऑफकोर्स मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें करी, उसमें बेसिकली मैंने आपको बताया इंट्रीगेशन कोर्स, इंटरव्यूज़ कैसे मतलब क्रैक करना है, रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, कवर लेटर का फॉर्म है, ऑफकोर्स इंटरव्यू प्रोसेस डिफरेंट होती है, उसका क्या कैसे आपको करना है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने फाइंड आउट खुद से करी, जिसका मैंने बेसिकली बहुत सारे वीडियोज़ बनाए जो आपको हेल्प करेगा। प्लेलिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दूँगी, और अगर आप पहले से ही हो इस चैनल पे तो आपको पता ही है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जॉब सर्च जर्नी जो है वो भी शूट करके आप लोगों के लिए दिखाई है यूट्यूब पे। तो ये हो गई वो बात। फिर क्या हुआ ना, क्योंकि हम लोग बहुत ही आउटर एरियाज में जो है थे, आउटर एरियाज मान लो मैं, हम लोग छोटे टाउन में थे जब मैं मूव करी तब भी और जब मैंने स्विच करा तब भी, तो हम दोनों के लिए सेम लोकेशन पे अपॉर्चुनिटी मिलना डिफ़िकल्ट था। और ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप कहीं रह रहे हो, आपके स्पाउस कहीं रह रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा व्हाट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट में यही था कि हमको किसी बड़ी सिटी में मूव करना इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन, जहाँ हम दोनों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो फिर हम लोगों ने वही सोचा कि यार यही बेस्ट है, तो देन वी थॉट कि यार म्यूनिक जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा, बीइंग लाइक दीपक जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है तो उसके लिए भी इजी रहेगा वहाँ पर, और मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं यहाँ, प्लस बहुत ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनी है फैशन एंड रिटेल वाली, तो मैंने सोचा ठीक है। तो विद इन कुछ मंथ्स जो है वो मैंने स्विच कर लिया, जस्ट बिकॉज हम लोगों को एक ही सिटी में मूव करना था, और लकीली हम दोनों को जो है वो एक ही सिटी में जॉब मिल गई, और विदिन आई थिंक 8 months और 7 months जो है वो हम लोग म्यूनिक मूव कर लिए थे, मुझे जैसे ही जॉब अपॉर्चुनिटी मिली उसके बाद। यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ जो है वो दिए थे, जिसकी मैंने बेसिकली वीडियो सीरीज़ बनाई है, आप देख सकते हो, और हर बार जब भी मैं इंटरव्यूज़ देती थी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला फील करती थी, एंड समहाउ वो जो इंटरव्यू वाली टिप्स है जो मैंने एक वीडियो बनाया है, रिज्यूमे राइटिंग वाली टिप्स जो मैंने बनाया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और बेसिकली मैंने अपना ही एक्सपीरियंस बताया और इंटरव्यू में कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके के राउंड्स होते हैं, ये सब मैंने उस पूरी सीरीज़ में बताया, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक एक इंटरव्यू देने के बाद हेल्प किया। जब मैं मतलब इन बिटवीन ये स्विच करने में थी तो काफ़ी सारे मैंने इंटरव्यूज़ दिए, एंड काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ जो है वो मैं उस टाइम पे क्रैक कर पाई। बट बिकॉज म्यूनिक जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सैलरीज एंड ऑफकोर्स बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ रेंट ऑल्सो, मतलब बहुत ज़्यादा रेंट होता है बट सैलरीज में वन ऑफ द बेस्ट है, तो वी बोथ समहाउ मैनेज कि यार हम लोगों को म्यूनिक बेस्ड यहाँ पर सैलरी मिल जाए। तो मैं अगर बात करूँ, मैंने यहाँ पर एज ए मर्चेंडाइजर जो है वो ज्वाइन किया, मैनेजर, मर्चेंडाइज मैनेजर, और उसकी जो सैलरी, एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरीज आप जो है वो ग्लास जॉर्ज करके जो वो है कंपनी उसमें देख सकते हो, वेबसाइट है उसमें आपको पता चल जाएगा। इवन पहले लिंक्डइन में भी ऐसा ऑप्शन था कि आप सैलरीज देख सकते हो कि कितनी सैलरीज जो है वो एवरेज है, तो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप राइट सैलरी जो है वो अपने रिक्रूटर को बताओ, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो सकते हो, यू एंड अप रिजेक्टिंग दैट ऑफर, तो ये हो सकता है। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी हर चीज़ में, तो ग्लास जॉर इज वन ऑप्शन, गूगल पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपको आए तो आप भी जो है वो देख सकते हो। तो ये तो हुई सैलरी की बात, प्लस अब आपने देखा, अब मैं वहाँ पर
जब इंडिया में थी तो पूरा अपैरल से डील करती थी, कपड़ों से डील करती थी, और जब मैं यहाँ पर आई तो मैं रिटेल और फैशन वर्ल्ड में नहीं होके, मतलब यूको बॉस में थी, बट देन जब मैंने नेक्स्ट स्विच किया तो मेरा जो इंडस्ट्री है वो एकदम चेंज हो गई. मतलब मे बी लॉजिक्स सेम रहे बट इंडस्ट्री एकदम जो है वो चेंज हो गई. तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली, बट समहाउ बिकॉज काम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा लेट मी ट्राई. एंड बिकॉज मैं पैशनेटेड हूँ अबाउट फैशन इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा कि यार मैं इससे यहाँ पर मूव कर रही हूँ, बट देन जब मैंने स्टार्ट किया तो इट वॉज़ वेरी गुड. अभी काफ़ी टाइम हो गया उस कंपनी के साथ काम करते हुए एंड सब कुछ जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है. एंड जैसा मैंने आपको बताया, सैलरी वाइज, इवन कल्चर वाइज, वर्क कल्चर वाइज बहुत ज़्यादा मैं वहाँ पर फिट होती हूँ. तो मुझको ये भी टेंशन था कि यार मैं फिट हो पाऊँगी या नहीं, क्या पता कैसा वर्किंग कल्चर होगा वहाँ पर, क्या कल्चरली फिट हो पाऊँगी या नहीं. तो वो सब चीज़ जो है वो मैं फिट होती हूँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है इसमें इंटरनेशनल लोग जो है वो काम करते हैं, तो कंपनी के लोगों को भी पता होता है कि यार डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग आ रहे हैं तो किस तरीके से मतलब हैंडल करना है. वेयरएज जब हम पहले जहाँ पर थे तो डिफ़िकल्ट होता था. और प्लस मैंने आपको पहले वाला वो भी बताया कि जो पैकेज या जो पर्टिकुलर ऑफ़र किया था सैलरी, वो मुझे बहुत कम लग रही थी, जिसकी वजह से मैं रिग्रेट करती हूँ मैंने क्यों नहीं वो स्टार्ट किया. मुझे कर लेना चाहिए था, इतना मुझे सैलरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए था. तो ऑफकोर्स वहाँ पर मैं कुछ कॉन्स कुछ प्रॉस देखती हूँ, बट मुझे ये भी लगता है अगर मैं वहाँ जॉब स्टार्ट कर लेती तो शायद मैं वहाँ पर ही फंस के रह जाती और मैं अपना जर्मन जो है वो नहीं सीखती, और जर्मन नहीं सीख तो मैं कुछ अच्छी कंपनीज के साथ एसोसिएट नहीं हो पाती, काम नहीं कर पाती. एंड देन जो आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे मैं काम कर रही हूँ सेम लोकेशन पे, हम वो नहीं मिल पाती. तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन थी, थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम था, बट जब मैं आज देखती हूँ तो आई थॉट कि जो भी चीज़ें हुई मेरे साथ वो कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से हुई हैं. तो ये है मेरी प्रोफेशनल जर्नी. अगर आप भी सेम इंडस्ट्री से हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आप भी मूव करना चाहते हो जर्मनी में तो बताना हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू कि आप एक नई चीज़ लाइक नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीज़ें सीखो और फिर फाइनली सक्सेसफुल हो पाओ. मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं 100% सक्सेसफुल हो गई, बट स्टिल मैं बोलती हूँ कि मैंने जो जो चीज़ें सीखी उससे मैंने और बहुत सारी चीज़ें सीखी जिससे आई थिंक आई एम डूइंग गुड. तो ये था इंडस्ट्री के बारे में. रेदर देन आप लोगों को, बिकॉज दीपक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप लोग अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस और सुनना चाहते हैं विथ आर फ्रेंड्स या हम लोग जिन लोगों को जानते हैं, तो अपनी इंडस्ट्री ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट करना. और अगर आप मूव करना चाहते हैं यहाँ पर तो बेसिकली ये जो होता है ये एक स्नैपशॉट होता है किसी की लाइफ का, किसी की प्रोफेशनल जर्नी का, जो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिखा के जाता है. ऑफकोर्स आज मैंने आपसे जो लोग जो भी बात करी उससे आपको भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप सीखे होगे, ये समझ में आई होगी. अगर वो 1% भी समझ में आती है तो मेरा मकसद इस वीडियो बनाने का पूरा हुआ. ठीक है, मतलब वीडियो जो है वो अब ख़त्म करते हैं. एंड हाँ, आपको जो भी अच्छा लगा हो, 1% भी अगर आपकी हेल्प हुई हो तो कमेंट ज़रूर करना कि हाँ हमारी हेल्प हुई है, और आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और अगर आप मूव करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करना. और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करना. एंड थैंक्स अ लॉट. और बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी हैं मेरी स्ट्रगलिंग टाइम के, वो भी ज़रूर देखना, तो आपको एक्चुअली में आप रिलेट कर पाओगे हाउ वॉज एंड हाउ इट इज़. एंड बाय फॉर नाउ.